हेलो एवरी वन वेलकम टू एलके के एकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम सो आज हम वापस आए आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ नए टॉपिक्स लेकर आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव हैज़ गॉन थ्रू यू नो प्रीवियस करंट अफेयर्स लेक्चर्स एंड जो जो आपको रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं नोट्स बनाने के लिए या कैसे पढ़ाई करनी है वो सारे आप फॉलो कर रहे हो तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ वंदे भारत मिशन वन ऑफ टॉप सिविलियन इवेक्यूशन्स तो कोविड एरा में आपने वंदे भारत मिशन के बारे में सुना होगा आपके आसपास आपके फैमिली में कहीं ना कहीं से अगर कोई फॉरेन कंट्री से अगर इंडिया आना चाहता है राइट तो उन लोगों को इवैक्यूएट करके आ, स्पेसिफिक पर्पस वाली फ्लाइट्स के ज़रिए अपने देश में वापस लाया गया है और उस मिशन को क्या नाम दिया गया है उस मिशन को नाम दिया गया है वंदे भारत मिशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन इवेक्यूएशन मिशन है सो दी वंदे भारत मिशन

काफ़ी लोग काफ़ी सारे कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स थे या किसी घूमने के लिए जो लोग गए थे या किसी ना किसी वजह से जो लोग स्ट्रेंडेड हो गए थे इन फॉरेन लैंड उनको क्योंकि लॉजिस्टिक्स की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी इसीलिए देश में एक खास एविएशन योजना चलाई गई है एक एविएशन स्कीम चलाई गई जिसके तहत मेजर सारे कंट्रीज से जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन में है उनके सारे ही कंट्री से ऐसे लोगों को वापस लाने के आ, वापस लाने के लिए ये योजना बनाई गई थी और इसको नाम दिया गया था वंदे भारत मिशन जो कि एक सबसे बड़ा दुनिया का इवेक्यूएशन मिशन बन गया है क्या है वंदे भारत मिशन सो इट इज़ द बिगेस्ट सिविलियन इवेक्यूएशन एक्सरसाइज टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स स्टैंडर्ड अब्रॉड एम इज दोना वायरस इंक्लूडेड ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन तो इन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन की वजह से उन वो वहाँ पे अटक गए थे और उनको वापस लाने की वजह से वंदे भारत मिशन स्टार्ट किया गया इट हैज़ सरपास्ड द लार्ज स्केल एयरलिफ्ट ऑफ वन लैक सेवेंटी सेवन थाउजेंड पीपल इन 1990 एट द ऑनसेट ऑफ द गल्फ ऑफ वॉर तो देखिए उस टाइम पे एक लाख सतहत्तर लोगों को लाया गया था नाइनटीन में जब गल्फ वॉर हुआ था तो उसको भी सरपास कर लिया गया है द मिशन इज अंडर गोइंग इन इट्स टेंथ फेज एंड कैरीड थर्टी टू लैक पैसेंजर्स अप्रोक्सीमेटली बोथ इन बाउंड एंड आउट बाउंड तो टोटली बत्तीस लाख से ज्यादा लोगों को मे ट्वेंटी ट्वेंटी से लेकर अब तक या तो लाया जा चुका है या उनको उनके किसी कंट्री में पहुंचाया जा चुका है उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा चुका है नेशनल कैरियर एयर इंडिया अलॉन्ग विथ इट्स बजट कैरियर एयर इंडिया एक्सप्रेस कैरीड आउट दी बल्क ऑफ एयर ट्रांसफर्स अंडर द मिशन ए आई यूज इट्स फ्लीट टू लिफ्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द मोस्ट सॉट आफ्टर आइटम्स अमॉन्ग एन आर आई इंडियंस टू वेस्ट एशियन कंट्रीज सिंगापोर एंड क्वाला पर ओके सो देखिये बेसिकली हो क्या सिर्फ लाने के लिए वंदे भारत मिशन नहीं चलाया जा रहा है अगर कोई इंसान जो स्टूडेंट है या जो फॉरन कंट्री में काम कर रहे हो अगर उनको भी फॉरेनर्स को भी अगर अपने यहाँ पे वापस जाना है ओके okay, तो इंडिया से आपको ऑलरेडी पता है कि क्योंकि एविएशन के ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं लॉजिस्टिक अच्छी तरह से नहीं चल रहा है जहाँ रोज़ नॉर्मल सौ फ्लाइट्स चलती थी आज वहाँ पर हो सकता है कि दस या बारह फ्लाइट्स चल रही हो तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट अपनी तरफ से आ, शॉर्ट नंबर ऑफ फ्लाइट्स के जरिए लोगों को पहुंचा रही है अपनी जगह पर बिसाइड्स हेल्पिंग डिस्ट्रेस्ड रूरल फार्मर्स एंड दी एनआरआईज द एम ऑफ द मिशन इज टू कीप सप्लाई चेन इंटेक्ट जब तक सप्लाई चेन इंटेक्ट नहीं रहेगा इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा इसका प्रेशर बनेगा वाइल ओवरसीज इंडियन फ्राम एज मैनी एज नाइंटी थ्री कंट्रीज है थ्रू दी वंदे भारत मिशन दी गवर्नमेंट हेज़ एंटर्ड इन टू स्पेशल ट्रेवल अरेंजमेंट कॉल्ड एयर ट्रेवल बबल्स विध एटीन डिफरेंट कंट्रीज सोफर तो दुबई के साथ या कैनेडा के साथ जर्मनी के साथ हमारे एयर बबल चल रहे हैं एयर बबल का मतलब क्या है दैट इज़ अ सिक्योर वे ऑफ ट्रांजिशन ताकि कोरोना वायरस को एक देश से दूसरे देश में फैलाने से रोका जा सके साथ साथ जो एविएशन का जो बिजनेस है वो भी स्लोली चलता रहे ट्रांसपोर्ट बबल्स और एयर ट्रैवल अरेंजमेंट्स आर टेम्पररी अरेंजमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज एम्ड एट रीस्टार्टिंग कमर्शियल पैसेंजर सर्विसज वैन रेग्युलर इंटरनेशनल फ्लाइट आर सस्पेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पेंडेमिक तो जब कुछ जब सब कुछ एक बार ठीक हो जाएगा आफ्टर द पेंडेमिक वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बट तब तक भी उसको बंद का ठीक नहीं है आप लॉजिस्टिक को बंद नहीं कर सकते राइट बिकॉज देर आर मल्टीपल लाइव इन्वॉल्व मनी इज इन्वॉल्व मल्टीपल इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इकनॉमी इन्वॉल्व सो उसकी वजह से uh, स्लोली तो स्लोली ओके इसको चलाया जा रहा है इट अलाउज करियर्स ऑफ बोथ टू फ्लाई पैसेंजर्स ईदर वे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन देखिए ईदर वे मतलब अगर मान लीजिए कि कैनेडा और यूएस इंडिया के बीच में अगर एयर बबल की ट्रिटी हुई है कि एयर ट्रैवल बबल हमने बनाया है तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन आप जो नेसेसरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हो पेंडेमिक के रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड uh, डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे ड्यू टू दी रेसिप्रोकल इन नेचर पैक्ट एम्स टू बेनिफिट एयरलाइंस फ्रॉम बोथ कंट्रीज विद फास्टर रेपेट्रिएशन ड्यू टू द रिसेंट स्पर्ट इन कोविड नाइन्टीन केसेज इन द कंट्री एंड मैनी कंट्रीज ऑफ लेट पेट्रोनेज हैज कम डाउन इन दी वी बी एम फ्लाइट सो हमें पता है कि फेब्रुअरी मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन से वापस जो कोरोना का सर्ज है वो इंडिया और बाकी सारे कंट्रीज में ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है देर इज अ सडन इंक्रीज इन दी कोविड नाइन्टीन केसेस तो उसकी वजह से वापस जो ये एयर बबल वाला जो अग्रीमेंट था या इंडिया जिस भी कंट्री के साथ वंदे भारत मिशन के थ्रू भी फ्लाइट चला रहा था काफ़ी सारी कंट्रीज ने उस अरेंजमेंट को भी क्या कर दिया है बैन कर दिया है और कौन से ऐसे सिविल रेस्क्यू मिशन है जो आम नागरिकों को बचाने के लिए आर्मी द्वारा या नेवी द्वारा किए गए हैं पास्ट में सो so, पहला जिसकी हमने स्टार्टिंग में ही बात की इवेक्यूएशन फ्रॉम दी गल्फ Uh, 1990 1991. So, until Vande Bharat mission, India's evacuation of civilians from Kuwait during the 1991 Gulf War had been the world's largest evacuation exercise of civilians by air. Around 1,77,000 Indians were caught in the war, which left millions homeless and many dead. Air India at that time operated around 500 flights. Over two months. तो देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था दो महीने के अंदर अंदर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स चलाई गई थी और वहां पे जो स्ट्रेंडेड थे जो फंसे हुए लोग थे उनको वापस लाया गया था ऑपरेशन राहत इट वॉज लॉन्च बाई द इंडियन आर्म्ड फोर्सिस इट इवेक्यूएट फोर इंडियन सिटीजन and 960 foreign nationals of 41 countries from Yemen during 2015 Yemen crisis the evacuation took place both by sea and the air तो देखिए 2015 कोई अभी बहुत आ, पुरानी बात नहीं है उस टाइम पे सुषमा स्वराज वॉज दी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो क्योंकि इंडिया ने नई नई 2014 में नई नई गवर्नमेंट बनाई थी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाई थी और जो नई गवर्नमेंट थी उसके ऑलमोस्ट गल्फ कंट्रीज के साथ और ओवरऑल बाकी कंट्रीज के साथ जो रिलेशन uh, थे बाइलिटरल रिलेशन वो अच्छे होते जा रहे थे तो इसकी वजह से क्योंकि यमन और सऊदी अरब के बीच में जब लड़ाई हो रही थी वो दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं बट इंडिया दोनों का कॉमन uh, फ्रेंड है एंड डेट्स दोनों ने बात मानी थी कि आप अपने अपने यमन से जो भी लोग फंसे हुए उनको निकाल लीजिए उस टाइम पे कोई भी गोलाबारी नहीं होगी और जो गोलाबारी होगी उसको रोक दिया जाएगा ताकि इंडिया अपने सिटीजेंस को सेफ पैसेज के थ्रू निकाल सके तो ये इंडिया की बाइलेटरल पॉलिसी uh, है फॉरेन पॉलिसी है क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे थे बट दोनों कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया था कि आप अपने सिटीजेंस को आराम से निकाल लीजिए और साथ साथ में देखिए हमने 900 साइड ऑलमोस्ट 1000 जितने 41 कंट्रीज के फॉरेन सिटीजन्स को भी निकाला था तो इंडिया हमेशा ह्यूमैनिटी के तौर पर काम करता है जब भी फॉरेन पॉलिसी भी हो गई या कोई भी पॉलिसी हो गई हो गई हमारे लिए दी ह्यूमैनिटी इज दी एट द फ्रंट ऑलवेज द थर्ड ऑपरेशन इज ऑपरेशन मैत्री सो द रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन दी आफ्टर मैथ ऑफ अप्रिल ट्वेंटी फिफ्टीन नेपाल अर्थक्विक इंडियन आर्म फोर्स इवेक्यूटेडर फाइव थाउजेंड पर्सन नियरली देखिये जो लोग नेपाल में फंसे हुए थे प्रोवाइड किया गया उनको इंडिया में लाया गया और इंडिया से उनको अपने अपने कंट्री में भेजा गया देन ऑपरेशन सेफ कमिंग इट वॉज लॉन्च बाई द इंडियन गवर्नमेंट ऑन ट्वेंटी इलेवन टू इवेक्यूट इट्स fleeing from the libyan civil war the air sea operation was conducted by the indian navy and air india around 50000 civilians were rescued in the operation then operation sukoon it was an operation carried out by the indian navy to evacuate indian sri lankan and nepalese nationals from the conflict zone during the 2006 lebanon war it was one of the largest evacuation conducted by the indian navy in which total of uh, 2280 पीपल वर इवेक्यूटेड तो बार बार हमारी नेवी ने एयरफोर्स ने आर्मी ने ये प्रूव किया है कि चाहे आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हो जब आप मुसीबत में होगे इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन नेवी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विल ऑलवेज़ हेल्प यू ओके सो दिस वाज एन इजी टॉपिक वंदे भारत मिशन के बारे में आपको याद रखना है next is our G7 foreign minister Summit uh, which you can connect to your international relations topic and static gKga topic Hoga G7 we have already uh, studied in past about the G7 summit or G7 platform so recently foreign ministers from the group of seven countries that is USA UK Canada France Germany Italy and Japan held a meeting in London UK

पहले इनविटेशन एक्सेप्ट किया था बट देन उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी थी और उसी टाइम पे उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जी सेवन समिट में आने का इनविटेशन दिया था एज अ स्पेशल गेस्ट ओके इनवाइटेड गेस्ट कौन से कौन से हैं? सो इनवाइटेड गेस्ट है so, आपके ऑस्ट्रेलिया इंडिया साउथ कोरिया साउथ अफ्रीका एंड चेयर ऑफ आसियान और इस बार का जो चेयर है ट्वेंटी का वो कौन है ब्रुनेई सो so, इंडिया को काफी सालों से बुलाया जा रहा है हमको फ्रांस में भी बुलाया गया था फोर्टी फिफ्थ समिट में देन फोर्टी सिक्स समिट जो वर्चुअली हुई थी यूएसए uh, होस्ट था उस टाइम पे तो वहाँ पे भी हमें बुलाया गया था ट्वेंटी ट्वेंटी में क्योंकि कोरोना की वजह से वहां पे हम नहीं जा पाए थे सो ऑस्ट्रेलिया इंडिया साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका विल ऑल्सो ज्वाइन दी जी सेवन समिट इन जून डिस्कशंस क्या होंगे सो रशिया इज इन रिस्पॉन्सिबल एंड डिस्टेबिलाईजिंग बिहेवियर के बारे में डिस्कशन होगा कहाँ पे सो दिस इंक्लूड्स दी लार्ज बिल्डअप ऑफ रशियन मिलिट्री फोर्सेज ऑन यूक्रेन बॉर्डर एंड एन इलीगली अनेक्स्ड क्रीमा रिलेटेड टू चाइना तो अभी हमको पता है कि म्यांमार में जो मिलिट्री कूप हुआ चाइना जो काफ़ी सारी नेगेटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे उइगर मुस्लिम के साथ या हांगकॉन्ग का जो उसका पॉलिसी है उसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ सो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एंड अब्यूज इन शिंजियांग एंड इन द टिबेट एस्पेशली द टारगेटिंग ऑफ उइगर्स मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ द एथनिक एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स विल बी डिस्कस्ड कॉल्ड ऑन चाइना टू रिस्पेक्ट हांगकॉन्ग हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड राइट्स एंड फ्रीडम्स तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है कि मकाओ और हांगकांग के लिए चाइना का जो पॉलिसी है राइट उसको चाइना खत्म करना चाहता है और हांगकांग जो है वो 1947 तक तो उसको फ्री उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी अपनी जुडिशियरी होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसको जल्दी से ख़त्म करने के लिए वहाँ पे एक सिक्योरिटी एक्ट लाया गया है और उसी का पिछले काफी महीनों से क्या हो रहा है अपोज uh, वहाँ का जो जनता है वहाँ का जो यूथ है बेसिकली वहाँ के सिटीजन उसको कर रहे हैं कंडेम्ड दी मिलिट्री कूप इन म्यांमार तो म्यांमार का मिलिट्री कूप uh, बहुत पुरानी बात नहीं है रिसेंटली ही ये मिलिट्री uh, कूप था जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी उसको हटाकर मिलिट्री ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है ग्रुप ऑफ सेवन क्या है सो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन आई एम गोइंग लिटिल बिट लिटिल बिट फास्ट फॉर दिस टॉपिक बिकॉज वी हैव ट अबाउट दीज ग्रूप जी सेवन जी ट्वेंटी सार्क आसियान मल्टीपल टाइम्स इवन इन दी लास्ट लेक्चर ऑल्सो है दिस इज द टाइम फॉर यू टू रिवाइज ऑल दिस स्ट्रेटिजी के टॉपिक्स जब हमने बोंगोसागर एक्सरसाइजिज के बारे में बात की वरुणा एक्सरसाइज के बारे में बात की बांग्लादेश के बारे में बात की थी तो उस टाइम पर हमने कहा था भूटान ऑपरेशन दत्तक के बारे में जब बात की थी तो ये सारे जब प्रोजेक्ट्स के बारे में या जब टॉपिक्स के बारे में हमने बात की थी जब भी ऐसा कोई टॉपिक पढ़ते हो अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है पॉज योर स्टडी और एक बार जस्ट रिवाइज कर लीजिए आपकी जो ऑलरेडी की स्टडी है उसको ओके okay? स्टैटिको so, क्या है जी सेवन इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन सेवनटी फाइव द ब्लॉक मीट एन्यूअली टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्न इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी और काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो आ, मुद्दे होते हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है क्योंकि आप यू कैन इमेजिन कि अगर इन कंट्रीज़ के टॉप लीडर्स मिलेंगे तो वो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे द जी सेवन डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्सड हेड क्वार्टर्स कोई फिक्सड हेडक्वाटर्स नहीं है सात लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगले साल की समिट कहाँ करनी है यूजली uh, वो होता है रोटेशनल बेसिस पर सो द डिसीजन टेकन बाई लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग है uh, अपने कंट्री में जाकर अगर आप उससे पीछे हटना चाहो तो हट सकते हो जरूरी नहीं है कि उसको फॉलो करना ही है बट यूजुअली ऑल दिस कंट्रीज ट्राई टू बी इन सिंक विथ ईच अदर द ग्राउंड वर्क ऑफ दिस समिट इंक्लूडिंग मैटर्स टू बी डिस्कस्ड एंड फॉलो मीटिंग्स इज डन बाई देरपाज हु आर जनरली उंटर uh, of of तो uh, पार्ट uh, uh, उसको क्या कहा जाएगा शेरपा कहा जाएगा इंडिया से अगर मैं uh, बात करूँ तो इन ईच एंड एवरी टॉक प्राइम मिनिस्टर या फिनेस मिनिस्टर अवेलेबल नहीं होंगे ओके okay? So, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हर टॉक्स में एवरी सेकेंड अवेलेबल नहीं रह सकते इसीलिए प्राइम मिनिस्टर अपने किसी चुने हुए मिनिस्टर uh, को या गवर्नमेंट ऑफिसर uh, को भेजेंगे एज अ शेरपा जो कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव uh, होगा और जो डेलीगेशन जा रहा है उसका लीडर होगा द लीडर्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल

अदर कंट्रीज जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में या ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता हैं, तो एक बात ये चल रही है कि या तो जी सेवन जी सेवन को रिप्लेस कर दिया जाएगा आने वाले एक दो सालों में और जी टेन बना दिया जाएगा या जी इलेवन बना दिया जाएगा जब जी टेन से रिप्लेस uh, किया जाएगा जी सेवन को तो वहाँ पर तीन नए कंट्रीज एड करने हैं uh, फ्रॉम जी सेवन जी सेवन टू जी टेन तो वो कंट्री कौन से होंगे वो कंट्री होंगी ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड साउथ कोरिया अगर जी इलेवन बनता है तो जी इलेवन में रशिया को एड किया जाएगा एज ऑफ नाउ ट्वेंटी फोर्टीन में रशिया को यहाँ से निकाल दिया गया था ट्वेंटी फोर्टीन से पहले नाइनटीन नाइनटी सेवन टू ट्वेंटी फोर्टीन रशिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ जी सेवन एंड यूरिंग दिस पीरियड द ग्रुप इज कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ एट बट क्योंकि यूएसए के साथ रशिया की ठीक से बनती नहीं है इसलिए 2014 से रशिया को क्या कर दिया गया है यहां से बाहर कर दिया गया है ओके सो इंडिया एंड जी क्या है प्रीवियस पार्टिसिपेशन जैसे कि मैंने आपको कहा कि कई सालों से इंडिया को एज अ स्पेशल इन्वाइटी जी समिट में बुलाया जाता है प्रीवियस पार्टिसिपेशन क्या है सो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया एट दिस फोर्टी फिफ्थ समिट इन बियारिट्स जो कि फ्रांस में हुई थी ऑगस्ट 2019 में इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड रिकोगशन ऑफ इंडिया एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर इंडिया वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी समिट होस्टेड बाई द यू एस ए विच कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू दी पेंडेमिक और उसको वर्चुअली होस्ट किया गया था

सो इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू डेवलप कोर्डियल रिलेशन विद डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि हमने देखा कितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है जापान फ्रांस जर्मनी यूएसए यूके, के कैनेडा राइट तो उनके साथ एक स्टेज शेयर करने का हमें मौका मिलेगा और ये हमारे जो बाइलेटरल रिलेशन है हर कंट्री के साथ उसमें हमें क्या करेगा बेनिफिट करेगा इट विल बूस्ट सिक्योरिटी कॉपरेशन विथ में कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक पर्टिक्युलरली द इंडियन ओशन एज करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका दैट इज ब्रिक्स ग्रुप एंड जी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंडिया विल प्ले अ की रोल ड्राइविंग अ मल्टी लेटरल कॉपरेशन हेल्पिंग टू बैक बेटर अराउंड दल्ड तो हमें बताया कि इंडिया काफ़ी जगहों पर लीड कर रहा है और उसी का फायदा आने वाले सालों में हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो जुड़ा हुआ है लैंड राइट से और उसकी मैपिंग से इन विलेज एरिया सो उसका नाम है स्वामित्व स्कीम नाउ व्हाट इज दिस स्वामित्व स्कीम सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज रिलीज्ड द न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्वामित्व स्कीम अब जब पंचायती राज मंत्रालय जब कोई स्कीम निकालेगा तो वो किसके लिए होगी इंडिया के विलेजेस के लिए गाँव के लिए स्वामित्व स्टैंड फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़ तो देखिए सर्वे का क्या मतलब है अगर आप कोई सोसाइटी में रह रहे हो या आपके पास अगर आपको पता हो अगर सिविल आ, एरिया का थोड़ा बहुत आपको अगर आइडिया हो सिविल एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का ओके तो आपको पता होगा कि टाउन प्लानिंग की जाती है आ, आपका जो अपार्टमेंट होगा या टीपी नाइन में होगा टीपी टेन में होगा टीपी इलेवन में होगा सो वॉट इज द टीपी स्टैंड इट इज टाउन प्लानिंग तो जब गवर्नमेंट की जो जमीन है गवर्नमेंट लैंड को अलग अलग लोगों को अलॉट किया जाएगा फॉर कमर्शियल पर्पज और फॉर फार्मिंग पर्पज तब उसको डिवाइड uh, करने के लिए एक सर्वे ड्रॉ किया जाएगा और वो सर्वे या जो वो प्लान होगा आपका जो ड्रॉइंग सर्वे इज नथिंग बट अ ड्रॉइंग ऑफ अ सिटी सिटी लैंड ओके तो वो सर्वे आपको आपके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिस है वहाँ पे आपको मिलेगा इवन यू कैन डाउनलोड इट ऑन ऑनलाइन सो ऐसे ही सर्वे ऐसा ही एक ड्राइंग, ऐसा ही लैंड प्लानिंग गांवों के लिए किया जाएगा विथ बेटर टेक्नोलॉजी और इसीलिए उसको नाम दिया गया है स्वामित्व स्कीम विच स्टैंड फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज लॉन्च कब हुआ था

कंस्ट्रक्शन uh, आपको देखने को मिलेंगे देर इज नो स्पेसिफिक बाउंड्रीज इन विलेजेस सो उसको मोर uh, इम्प्रोवाइज बनाने के लिए उसको सुधारने के लिए एक बेटर सिस्टम बनाने के लिए ये प्लान लाया जा रहा है फीचर्स क्या क्या होंगे सो द डी मार्केशन ऑफ रूरल इनहेबिटेड एरियाज वुड बी डन यूजिंग ड्रोन सर्वे एंड कोर्स विच इज कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क विच प्रोवाइड मैपिंग अक्यूरे ऑफ फाइव सेंटीमीटर्स तो देखिए ड्रोन से गांवों के इमेजेस लिए जाएंगे और उस इमेजेस के आधार पर गांवों की जो जमीन है जो प्रॉपर्टीज है उसको डिवाइड किया जाएगा जिसकी एक्यूरेसी है फाइव सेंटीमीटर्स की ओके दिस वुड प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड्स ओनर्स पोजेसिंग हाउसेज इन इनहेबिटेड रूरल एरियाज इन विलेजेस तो जो दूर सुदूर के जो इलाके हैं जहाँ पे शायद गवर्नमेंट भी नहीं पहुँच पाती है ऐसे गाँवों को भी मैप किया जाएगा ऑन रिकॉर्ड उनको लाया जाएगा कि ये जमीन इसकी है ये जमीन खेती ये करता है ये जमीन गवर्नमेंट की है एटसेट्रा एटसेट्रा ताकि इलीगल एनक्रोचमेंट ना हो पाए इट विल कवर अराउंड 6.62 पॉइंट सिक्स टू विलेजेस ऑफ द एंटायर कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्वेंटी 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 फाइव तो चार या पाँच सालों में लगभग सात लाख जितने गाँवों को कवर किया जाएगा बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका ये है टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू दिस दिटीजन इन रूरल इंडिया बाई इनेबलिंग देम टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल फॉर टेकिंग लोन्स एंड अदर फिनेंशियल बेनिफिट्स राइट गाँव में जो लोग हैं अगर उनको लोन लेने जाना है तो वो अपना घर गिरवी रख सकते हैं राइट बट अगर उनकी जमीन जो कि कहीं मान लीजिए कहीं जंगल में है उसका कोई रिकॉर्ड ही अगर नहीं होगा उनके पास या गवर्नमेंट के पास अगर उसका कोई ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड नहीं होगा तो बैंक उनको लोन नहीं देगा तो ऐसे सारे मामलों में भी लोगों को फायदा होगा क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल प्लानिंग जैसे टाउन प्लानिंग मैंने बताया वैसे रूरल प्लानिंग की भी जरूरत है तो उसके लिए एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के डेटाबेस में जमा होंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स लोग प्रॉपर्टी टैक्स वैसे ही नहीं भरते अगर गवर्नमेंट के पास अच्छा सा डेटा होगा तो लोग प्रॉपर्टी टैक्स भर पाएंगे

तो आप नीड बेस्ड जो पॉलिसीज़ uh, है गाँव के लिए वो बना पाओगे ताकि उनका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो पाए टू रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड लीगल केसेस सेम चीज़ uh, के uh, मान लीजिए गाँव में दो पड़ोसी है एक पड़ोसी ने दस मीटर अपना जो घर है वो आगे बढ़ा लिया बाजू वाले ने बीस मीटर बढ़ा लिया उसके बाजू वाले ने तीस मीटर बढ़ा लिया तो ये सारी चीज़ें गाँव में शहरों में चलती रहती है तो गाँव में तो देर इज़ नो रेगुलर चेकिंग तो उसको भी रिड्यूस यहाँ पे किया जा सकेगा नोडल मिनिस्ट्री जो होगी जो मिनिस्ट्री ये पूरा स्कीम uh, को हैंडल करेगी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सर्वे ऑफ इंडिया इज अ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी होगी यहाँ पे नेक्स्ट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस और वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सो मोर देन 28.68 करोड़ लोन्स फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 14.96 लाख so ,00 करोड़ सो ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ रुपए की लोन दी गई है कितने लोगों को? लोगों को को 28 करोड़ से ज्यादा बाय बैंक्स एंड सिंस लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखिए नाम से ही पता चल रहा है मुद्रा इज द संस्कृत वर्ड फॉर मनी तो अगर आपको अपने छोटे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से लोन चाहिए तो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दी जाएगी जब नई गवर्नमेंट आई थी इन 2014 तो एज अ फ्लैगशिप कमर्शियल स्कीम इस योजना को स्टार्ट किया गया था क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सो इट वॉज लॉन्च्ड बाई द गवर्नमेंट इन ट्वेंटी फिफ्टीन फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू टेन लैक टू नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो किसान नहीं है या जो कॉरपोरेट नहीं है बड़ा जो बेसिकली मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के जो uh, लोग हैं सिटीजन है उनको कुछ स्टार्टअप लगाने के लिए या अगर कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना है और उनके अगर उनके पास अगर स्टार्टिंग कैपिटल नहीं है इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं है तो उन लोगों को ये लोन दी जाएगी फंडिंग प्रोविजन क्या है मुद्रा विच स्टैंड फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड इज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाई दी गवर्नमेंट

और देर आर मल्टीपल अदर बेनिफिट्स ऑल्सो अगर आपको मुद्रा लोन आप ले, आ, ले रहे हो तो देर आर सेवरल अदर बेनिफिट्स ऑल्सो ताकि जो छोटे लोग हैं जिन जो आ, कुछ करना चाहते हैं अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों को ये चीज़ दी जा सके लोन हैव बीन गिवन टू डिसवानज सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एस सी एस टी ओ बी सी बोरोस माइनॉरिटी कम्युनिटी बोरोस एक्सेट्रा

वो नंबर है मोर देन वन करोड़ रुपीज अकॉर्डिंग टू दी नंबर्स प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ दी वन पॉइंट ट्वेल्व करोर ऑफ एस्टिमेटेड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट वुमेन अकाउंटेड फॉर सिक्सटी नाइन लेख देखिए गाँव में जो जिसे हम गृह उद्योग कहते हैं छोटे छोटे uh, uh, मसाले बनाना या पापड़ बनाना या ऐसी जो चीज़ें मोमबत्तियाँ बनाना या इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करना तो आउट ऑफ दिस 1.12 पॉइंट ट्वेल्व करोर एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट इनक्रीज सिक्सटी नाइन लैख इज़ दी वुमन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ऑलमोस्ट सिक्सटी टू परसेंट महिलाओं को इससे रोजगारी मिली है ओके सो दिस वॉज पॉजिटिव न्यूज फॉर अस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एशियाटिक लायंस सो रिसेंटली एट एशियाटिक लायंस हैदराबाद नेहरू जुअलॉजिकल पार्क हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर दी डेडली कोरोना वायरस तो देखिए अब तक ये काफ़ी कम जगहों पर दुनिया में ग्लोबली देखा गया है कि इंसानों से जानवरों में ये वायरस फैल रहा है अगर ये वायरस जानवरों में इतना जल्दी फैलने लगा सो इट विल बी मर्च वर्स्ट सिचुएशन टू हैंडल ओके जैसे हमने स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू जैसे जो ऑलरेडी जूनोटिक डिजीज़ है उसके बारे में हमने पढ़ा है तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना एट इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री एज वेल सो ऐसे ही एक इंसिडेंट हमें देखने को मिला है नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जो कि हैदराबाद का एक ज़ू है जहाँ पे आठ एशियाटिक लायनों को कोरोना वायरस uh, पाया गया है आठ एशियाटिक लायंस में इट इज़ द फर्स्ट नोन केस इन द ह्यूमन इन्फेक्टिंग the felines एंड मेकिंग them sick in इंडिया earlier इन 2020 tiger टाइगर infected इन्फेक्टेड विथ कोविड was reported रिपोर्टेड इन न्यूयॉर्क और bronx zoo तो so, ये भी काफी इंटरनेशनल न्यूज़ बने थे सो ब्रोंग ज़ू अगर कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो वो भी आपको याद रखना है कि वहाँ पर सबसे पहले अर्लियर 2020 में जब कोरोना वायरस पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब टाइगर भी इन्फेक्टेड पाए गए थे एशियाटिक लाइन के बारे में बात करनी है उनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है ग्लोबल लेवल पर इंडिया लेवल पर ओके सो एशियाटिक लायन आल्सो नोन एज पर्शियन लायन और इंडियन लायन इज अ मेंबर ऑफ द पेंथेरा लियो सब स्पीशीज दट इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली इंडिया में भी सबसे ज्यादा एशियाटिक लायन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे गिर गुजरात में इट्स प्रीवियस हैबिटेट कंजिस्टेड टू ऑफ वेस्ट एशिया एंड द मिडल ईस्ट बिफोर इट बिकेम एक्सटिंट इन

एंड रेवा इन मध्य प्रदेश इन सेंट्रल इंडिया एट प्रेजेंट गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज दी ओनली अबॉर्ड ऑफ द एशियाटिक लाइन सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में आपको एशियाटिक लाइन देखने को मिलेंगे एंड दैट इज द प्रोटेक्टेड जोन वहाँ पे आप एक नंबर से ज्यादा अगर आप uh, मान लीजिए कि एक हजार लोग वहां पर जा, जा चुके हैं फॉरन एग्जाम्पल एंड इफ योर नंबर इज वन थाउजेंड एंड वन तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी द आर सोल्ड ओके okay, सो so क्योंकि वो प्रोटेक्टेड जोन है इसीलिए लिमिटेड लोगों को वहाँ पर एंट्री दी जाती है फॉर द जंगल सफारी एंड गिर सफारी सो इन 2020 ट्वेंटी दी गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनाउंसड एन इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस इन दी गिर फॉरेस्ट रीजन तो ये काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी पॉजिटिव बात है लायन के लिए हम सॉरी uh, लायन के लिए ये हमने सुना प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू हम प्रोजेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो भी डबल uh, से ज़्यादा कर चुके हैं सेम हम एशियाटिक डॉल्फिन जो कि गंगा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है उसमें पाई जाती है तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी आ, स्टार्ट किया जाएगा इन द नियर फ्यूचर जिससे एशियाटिक डॉल्फिन की जो नंबर है उसको क्या किया जा सके बढ़ाया जा सके और गवर्नमेंट काफ़ी होपफुल है कि आ, जैसे हमको प्रोजेक्ट टाइगर में हमको सफलता मिली है वैसे ही सफलता हमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए भी मिलेगी थ्रेट्स क्या है क्यों वो एक्सटिंक्ट हो गए सो इट्स वलनरेबिलिटी टू अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स सच एज अ प्लेग और अ नेचुरल डिजास्टर पोचिंग एंड लोकल्स नियर द गिर नेशनल पार्क किलिंग द लायंस इन रिटेलिएशन फॉर अटैक्स ऑन लाइफ स्टॉक तो देखिए क्या होता क्या है गिर के नेशनल पार्क जो है या जो वो पूरा जंगल वाला इलाका है वहाँ छोटे छोटे गांव या कस्बे भी बसे हुए हैं अब वो लोग अपना जीवन कैसे चलाते हैं तो वो लोग कुछ लोगों ने बकरी पाल कर रखी है कुछ लोगों ने गाय पाल कर रखी है कुछ लोगों ने भैंस पाल कर रखी है अब शेर जो है वो शिकार की खोज में ऐसे जानवरों पर ऐसे पालतू जानवरों पर पेट्स पे हमला करेगा अब जब पेट्स पे हमला करेगा तो उसका जो मालिक होगा वो अपने पेट्स को बचाएगा पहले क्यों क्योंकि वो उसके पेट्स के दूध के ज़रिए उसका घर का चूल्हा जलता है और इसी चक्कर में जब ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है लायन के साथ तब वो क्या होता है वो उन लोगों ने गोली चला दिया मार कर भगा दिया ऐसी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है इलीगल uh, पोचिंग जो है वो एक बड़ा हेडेक है गवर्नमेंट के लिए सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो थ्रेट है एशियाटिक लाइन के लिए प्रोटेक्स प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है आई यू सी एन रेड लिस्ट एंडेंजर्ड साइट्स अपेंडिक्स वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू वन नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट what इज आई what is the sites, इज साइट्स एंड Wildlife इज Act. प्रोटेक्शन एक्ट जब हमने एशियाटिक डॉल्फिन के बारे में बात की थी ऑलिव रिटलेट टर्टल के बारे में बात की थी ओडिशा के एट ईच एंड एवरी पॉइंट जब हमने किसी फेलाइन स्पीशीज के बारे में बात की है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वॉट इज आई यू सी एन साइट्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओके तो आपको याद रखना है इसका भी एक स्टेटिक लिस्ट आपके पास होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है दैट इज दुटरी बॉडी जिसको इस एक्ट के थ्रू बनाया गया था ताकि जो फोना एंड फ्लोरा है उसको कंजर्व किया जा सके कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या है सो द एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैज बिन लॉन्च बाई द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ज बिन अप्रूव्ड फॉर थ्री फिनेंशियल फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी इसके जो रिजल्ट है वो आने वाले साल में हमें पता चलेंगे कि ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल रहा इट एनवीज इज साइंटिफिक मैनेजमेंट विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन कोऑर्डिनेशन विथ मल्टी सेक्टरल एजेंसीज फॉर डिजीज कंट्रोल एंड वेटररी केयर फॉर ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायंस ओके so this was also quite an easy topic next jomara topic that is also related to defense and bilateral relations or p 8i patrol aircraft so the u.s state department has approved the sale of 6 p 8i patrol aircraft and related equipments to india the 6 aircraft will come fitted with encrypted systems

इंडिया और स्पेसिफिकली एयरफोर्स के लिए वो हेल्प करेगी सो so, क्या है ये पी8आई एयरक्राफ्ट सो इट इज अ लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉन्साइंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है मतलब वो वॉर के लिए ही बना है इट इज अ वेरिएंट ऑफ द पी8ए पोसाइडन एयरक्राफ्ट दैट बोइंग कंपनी डेवलप्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द यूएस नेवीज एजिंग पी3 फ्लीट with a maximum speed of 907 km per hour and operating range of over 12000 nautical miles the p 8 is detect threats and neutralize them if required far before they come anywhere near indian shores indian navy became the first international customer for the p8 i p8 aircraft in 2019 okay so indian navy ne Pahili bar 20 2009 में इसको परचेज uh, किया था और उसके बाद से हम रेगुलरली उसके जो अपग्रेडेड वर्जन है उसको भी हम परचेज कर रहे हैं एट वॉट स्टेज इन इंडो यूएस डिफेंस टाइज आर सो दिस प्रपोज सेल विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द यू एस इंडियन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप फॉर द यू एस ए इंडिया कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट फोर्स फॉर पोलिटिकल स्टेबिलिटी पीस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशिया रीजन और पिछले दो सालों से फ्रॉम 2018 ऑलमोस्ट यू एस एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो चल रहा है उसके बाद कोरोना पेंडेमिक आ गया तो चाइना के साथ काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो बिगड़े पड़े हैं और इस सिचुएशन में ये देखा जा रहा है कि इंडिया कैन रिप्लेस चाइना इन अपकमिंग ईयर्स और लोग ये चाहते भी हैं डिफेंस परचेज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन इंक्रीजिंगली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रोइंग टाइज बिटवीन दी टू कंट्रीज तो हम हमारा जो मेजोरिटी uh, जो डिफेंस का जो सामान है वो यूएसए के साथ से हम खरीदते हैं फ्रॉम नियर जीरो इन 2008 इंडिया यूएस डिफेंस ट्रेड टचड यूएसडी 20 बिलियन इन 2020 हेल्प्ड अलोंग बाय अ मेजर पॉलिसी अपग्रेड्स द यूएस एस डि इंडिया अ मेजर डिफेंस पार्टनर एंड देन ग्रांटिंग इन द सेम एक्सेस टू डिफेंस टेक्नोलॉजी इज नाटो अलाइज एंड ऑस्ट्रेलिया जापान साउथ कोरिया अंडर ट्रेड ऑथराइजेशन वन इन 2018 तो देखिए नाटो में जो स्ट्रेटेजिक uh, अलायस है उसी के बराबर का दर्ज़ा इंडिया को भी दिया गया है ना व्हाट इज कॉमकासा एग्रीमेंट सो दिस आल्सो वी हैव लर्न इन अर्ली 2019 सो कॉमकासा इज मेंट टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट फ्रॉम द यू टू इंडिया दैट वुड फैसिलिटेट इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन दर फोर्सिस एंड पोटेंशियली विथ अदर मिलिट्रीज डेट द यू एस ओरिजिन सिस्टम फॉर सिक्योर्ड डाटा लिंक्स तो देखिए इससे क्या होगा कि सिक्योर्ड लाइन्स के थ्रू इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और यूएसए के जो आर्म्ड फोर्सेज है वो एक दूसरे से आ, डाटा शेयर कर पाएगी जो सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर पाएगी अंडर दिस अग्रीमेंट ये काफ़ी बड़ी बात है इट इज़ वन ऑफ द फोर फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स दैट द यूएस एस साइंस विद अलाइज एंड क्लोज पार्टनर्स टू फैसिलिटेट इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन मिलिटरीज एंड सेल ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी इट इज़ एन इंडिया स्पेसिफिक वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट किस्मुआ ओके तो इंडिया के हिसाब से इस अग्रीमेंट को थोड़ा बहुत uh, बदल कर इंडिया ने इसको साइन किया है और जो चार जो हमारे अग्रीमेंट है वो कौन से है तो पहला है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट सो जी सोमिया अलाउस मिलिट्रीज टू शेयर द इंटेलिजेंस गैदर्ड बाई देम साइंड बाई इंडिया इन ट्वेंटी टू अर्ली 2000 में ही हमने इसको साइन कर लिया था जिससे अगर मान लीजिए कि इंडिया के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यूएस नेवी को या आर्मी को या आर्म्ड फोर्सेस को काम आ सकती है तो वो इस अग्रीमेंट के अंदर दी जाएगी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ लेमोआ अलाउज बोथ कंट्रीज टू हैव एक्सेस टू ईच अदर्स डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज़ फॉर रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेसमेंट साइंड बाई इंडिया इन ट्वेंटी मान लीजिए इंडिया का कोई वॉर जो जहाज़ है वॉर एयरक्राफ्ट है उसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ी तो अक्रॉस वर्ल्ड जो जो रिफ्यूलिंग स्टेशन यूएसए के अंडर कंट्रोल में है अंडर कंट्रोल है उसको यूज कर पाएगा इंडिया क्यों क्योंकि ये लेमो अग्रीमेंट हमने साइन किया है सो इट्स अ लॉजिस्टिक काइंड ऑफ अग्रीमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट जो कि हमने देखा जो कि कॉमकासा का इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है वो 2018 में साइन किया गया था एंड बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन अग्रीमेंट बेका बेका विल अलाउ इंडिया एंड यूएस मिलिट्रीज टू शेयर जियो स्पेशियल एंड सेटेलाइट डाटा विद दीच अदर इंडिया हैज़ साइंड बेकाइन ट्वेंटी ट्वेंटी तो जो सारे इम्पोर्ट चार जो इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट थे डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड वो चारों इंडिया ने साइन कर लिए है और ये बताता है कि यूएसए और इंडिया कितने क्लोज बायोलिट्रल रिलेशन को कैरी करते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है सो द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर द थ्री सर्विसेज एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज़ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एज ऑफ नाउ राजनाथ सिंह इज अवर डिफेंस मिनिस्टर इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन ट्वेंटी ट्वेंटी जीरो वन पोस्ट कारगिल वॉर तो देखिये सी डी एस का जो पोस्ट था वो भी तभी रिकमेंड किया गया था जो इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड था जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था देट वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड पोस्ट कारगिल वॉर तो पोस्ट कारगिल वॉर से हमें काफी सारी जो फैक्ट रियालिटीज थी वो समझ में आई कि हमारी बॉर्डर कितनी सिक्योर होनी चाहिए क्योंकि हमारे एक साइड चाइना और पाकि... दूसरी तरफ पाकिस्तान है सो वी कैन नॉट ट्रस्ट देम चाहे कितने भी अच्छे रिलेशन हो यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना एंड पाकिस्तान तो इसके लिए तब से हमारी जो नेवी है आर्मी है या एयरफोर्स है उसको स्ट्रेंदन किया जा रहा है और काफी सारा पैसा डिफेंस बजट के तौर पर अलॉट किया जाता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु this is also related to corona pandemic. so Indian Navy has launched operation समुद्र सेतु टू for shipment of oxygen filled containers to India. we already know कि हमारे यहाँ अभी ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत चल रही है उसको अड्रेस करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु वॉज लॉन्च्ड इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी एज पार्ट ऑफ द नेशनल एफर्ट टू रिपेट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग दी कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक तो देखिए मे हज़ार मे दो हजार बीस में जब ये समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था तो वो रेपेट्रिएशन के लिए लॉन्च किया गया था कि जाके जो स्टैंडर्ड इंडियन सिटीजन है उनको वापस लाने के लिए ये लॉन्च किया गया था समुद्र सेतु टू क्या करेगा सो सेवन इंडियन नेवल शिप्स जो कि है कोलकाता कोचि तलवार तबार त्रिकंद जलश्व एंड अरावत हैव बिन डिप्लॉयड फॉर शिपमेंट ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स एंड एसोसिएटेड मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम वरियस कंट्रीज तो ये सात जो इंडियन नेवल शिप्स है उनको अलग अलग डेस्टिनेशन पर भेजा गया है और वो कुछ ही टाइम में जो ऑक्सीजन कंटेनर्स है और जो भी रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि इंडिया को पेंडेमिक से लड़ने में काम कर सकते हैं और जो कि अलग अलग कंट्रीज हमें मदद कर रही है उनको लेकर इंडिया में वापस लौटेंगे टू शिप्स दी आई एन एस कोलकाता एंड इंडियन नेवल शिप तलवार हैव port of पोर्ट ऑफ मनामा बहरीन टू कैरी बैक of liquid ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन टू मुंबई Jalashwa आई एन एस जलेश्वर इज एन रूट टू बैंकॉक वाइल द आई एन एस ऐरावत इज ऑन इट्स वे टू ऑन सिमिलर मिशन तो देखिए अलग अलग कंट्री में ईस्ट वेस्ट साउथ हर दिशाओं में समुद्र सेतु टू को भेजा गया है एंड विच इज थैंकफुल टू अवर स्ट्रांग लीडरशिप एंड अवर स्ट्रॉन्ग बाइलिटरल रिलेशन विद ऑलमोस्ट एवरी कंट्री और अभी हमने कुछ ही जब हम वैक्सीन स्टार्ट हुई थी लेट 2020 में ओवरसीज जर्मनी कनाडा जैसे कंट्री को भी हमने हमारी वैक्सीन पहुंचाई थी तो नाउ इट्स टाइम फॉर दोज कंट्रीज टू हेल्प इंडिया इन टाइम ऑफ डिफिकल्टीज क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु सो इट वॉज लॉन्च्ड अलॉन्ग विद वंदे भारत वंदे भारत मिशन वंदे भारत मिशन जो था वो एवियेशन uh, सेक्टर के लिए था समुद्र सेतु जो था वो शिप्स के थ्रू लोगों को वापस लाने का मिशन था VBM is the इज द बिगेस्ट सिविलियन इवेक्यूएशन एक्सरसाइज टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन स्ट्रेंडेड अब्रॉड एम इज द कोरोना वायरस इंड्यूज ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन तो ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट इट इज उसी के अलॉन्ग ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया गया था ओके सो दिस वॉज ऑल्सो एन वेरी इजी टॉपिक सो आज का जो टॉपिक uh, था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से भरा हुआ था आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू गो थ्रू द लेक्चर इफ नॉट अंडरस्टुड अगेन और भी कोई दिक्कत है किसी भी टॉपिक में यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल ट्राई टू रिजोल्व योर डाउट टिल देन स्टे होम स्टे सेफ थैंक